बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी में एक और नई वीडियो के साथ। तो फॉल्ट स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है वर्टिकल फिल्ट्रेशन का फॉल्ट है। ये डिस्प्ले इसमें नजर आ रहा है और ये थोड़ी सी पट्टी नजर आ रही है तकरीबन 1 इंच की। तो वीडियो को बाकायदा आगाज करने से पहले, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियोज में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक का हिस्सा बन जाएं। ये चाइना यूनिवर्सल बोर्ड है, आपको नजर आ रहा है 76931, इसमें आईसी लगा हुआ है। तो फर्स्ट लुक में ये जो फॉल्ट था वो ऊपर से ही मुझे नजर आ गया। ये वर्टिकल के जो योक है उसके ग्रिप पर जो ये फिल्टर कैपेसिटर लगा होता है 35 वोल्ट 1000 UF का, वो इसका फूला हुआ है। तो मैं मजीद टाइम जाया करने से पहले सबसे पहले इसे ही बदल के देखूंगा और बाकी कैपेसिटर जो है वो नजर ठीक आ रहे हैं बिल्कुल। तो ये एक फूला हुआ है और है भी वर्टिकल सेक्शन में और फॉल्ट भी इसी किस्म का शो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इसे ही बदलूंगा। ये वर्टिकल नेगेटिव और पॉजिटिव के ग्रिप हैं और इन्हीं पर के ऊपर वो लगा हुआ है ये कैपेसिटर, तो ये फूला हुआ भी है। तो इसी का मसला है, ये जो स्क्रीन इसकी फोल्ड हुई हुई है। तो ये कैपेसिटर सबसे पहले मैं बदलूंगा, फिर आगे देखेंगे अगर इससे कोई और फॉल्ट हुआ तो। वैसे इसमें मुझे ये वर्टिकल सेक्शन में ड्राई सोल्ड भी काफी नजर आ रहा है। तो कैपेसिटर मैंने निकाल लिया है, इसमें 25 वोल्ट 1000 UF लगा हुआ है। यहाँ पर 25 वोल्ट है जो है वो ज्यादातर जलने के चांस होते हैं, इसलिए यहाँ पर कम से कम 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगाना चाहिए 1000 UF। तो मैं इसकी जगह 35 वोल्ट 1000 UF लगाऊंगा, क्योंकि 25 वोल्ट जो है वो दोबारा जल सकता है। तो ये जो वर्टिकल सेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये वर्टिकल ड्राइव जो 76931 है, तो इसके टांके भी थोड़े से मुझे ड्राई सोल्ड नजर आ रहे हैं। इस तरह की चीजों को भी आप देखा करें, क्योंकि आप वक्ती जो फॉल्ट है वो निकाल देंगे तो दूसरे दिन कोई और मसला बन सकता है। तो ये ड्राई सोल्ड जो है वर्टिकल सेक्शन में ये फिर कोई खराबी बना सकते हैं, तो इस ड्राई सोल्ड को भी खत्म करना जरूरी है। कैपेसिटर मैंने लगा दिया है 35 वोल्ट 1000 UF का। वीडियो थोड़ा मैं कट पीस में बनाता हूँ ताकि आपके यार टाइम थोड़ा से थोड़ा जाया हो। तो ये जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है इनके भी टांके जो है दोबारा करने हैं लाजमी, क्योंकि 9 वोल्ट बंद हो जाए तो फिर भी वर्टिकल सेक्शन बंद हो जाता है। तो स्विच लगा के देखते हैं। कैपेसिटर मैंने लगा दिया इसका 35 वोल्ट 1000 UF वर्टिकल योक पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह टेलीविजन हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है, जो वो तस्वीर फॉल्ट थी इसकी वो खत्म हो चुकी है। तो इतना ये बड़ा फॉल्ट नहीं था, फर्स्ट लुक में ही नजर आ गया था कैपेसिटर फूला हुआ। तो इस तरह का मसले में सबसे पहले आप कैपेसिटर ही देखा करें। इसके अलावा भी वर्टिकल ड्राइव से भी इस तरह के फॉल्ट बन सकते हैं। अगर कोई मेरे पास ऐसा टेलीविजन सेट आया तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर तो आप टेलीविजन रिपेयरिंग, एलसीडी टेलीविजन रिपेयरिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करें। टेलीविजन सेट माशाल्लाह से ठीक हो गया, मैंने बैक कवर भी लगा दिया इसका। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुदा हाफिज़।